भजन संहिता अध्याय 65। भजन संहिता अध्याय 65। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढाप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वरदान देगा। तू पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर के देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों के जय जयकार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सिंचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेवारियों को भली भांति सिंचता है और उसमें बीच में की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धारण किया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए है। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है।